touch mine. Hi friends and welcome back to my YouTube channel. How are you all? कैसे आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube channel में. And friends, guess what we have here? The all new KTM Duke 125. In this video, I am going to ride the KTM Duke 125 and I am going to give you the first impressions how the bike is. So friends, बिना किसी देरी के हम वीडियो करते स्टार्ट एंड मैं बाइक राइड करूँ उससे पहले मैं आपको बाइक के वॉक अराउंड एंड थोड़े से क्लोजर शॉट्स देना चाहता हूँ. सो हियर वी गो, 3, 2, 1 एंड I'm riding the KTM Duke 125. My hands on the KTM Duke 125. So firstly, मैं सबसे पहले आपको इस बाइक की सीटिंग पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं. जैसे ही मैं बाइक पे बैठा और फ्रेंड्स, मुझे फील हुआ कि इसकी सीटिंग पोजीशन है वो एब्सोल्युटली अपराइट है एंड इट इज वेरी मच कंफर्टेबल आई हैव टू से. सीटिंग पोजीशन इज वेरी मच नाइस. आई मीन जैसा कि सीटिंग पोजीशन अपराइट है तो अगर आपको लॉन्ग राइड्स करने हैं इस बाइक में, आई मीन 125 cc, इसमें आप लॉन्ग राइड्स कैसे करोगे? लेकिन फिर भी हम बात करते हैं, अगर आपको इस बाइक को सिटी में चलाना है तो ऑब्वियसली आपको आप इसको इजिली राइड कर सकोगे, कोई बैक पेन कोई नहीं होगा. तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके पावर की. 125 cc है फ्रेंड्स. इफ आई टॉक अबाउट द पावर, ऑब्वियसली द 125 cc है तो कम पावर होगा इसमें ऑब्वियसली. एंड बाइक इज वेरी मच लाइट वेट. अगर आपको एक सिटी के लिए बाइक चाहिए, सिटी राइडिंग के लिए, देन दिस बाइक इज परफेक्ट हैव टू से. एंड 125 cc है एंड इसमें कंपनी वालों ने दिए 6 gears. The bike is very much lightweight. And the bike is comfortable too. आपको इसमें normal handlebar मिल जाएगा. And मुझे तो पता नहीं, इसका sitting posture बहुत ही अच्छा लग रहा है. And the tank is also good, muscular fuel tank. इसको आराम से grab कर सकते हो easily. And friends, जो mirrors है, रेव वो दिखाई देगा. मिरर्स एकदम अच्छे परफेक्टली सेट है. ब्रेकिंग की बात करूँ तो आपको इसमें रेयर में डिस्क ब्रेक मिलेगा और फ्रंट में ABS मिलेगा. क्लच इज लिटिल बिट हार्ड, नॉट दैट मच, लेकिन जो स्मूथ होना चाहिए वो नहीं लगा मुझे. And the seats is also soft. ABS है वो perfectly work करता है. Friends, I want to say that if you are looking for a motorcycle for touring purpose, then obviously you should not go for this one. I mean, एक practical बात है कि 125 cc है एंड इसमें आप टूरिंग करोगे तो कैसे होगा? आई मीन उतना पावर ही नहीं है बाइक में कि आप टूरिंग कर सको. सो एक परफेक्ट बाइक जिसको बोल सकते हैं सिटी के लिए. इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बाइक जस्ट टू रोम इन द सिटी एंड जस्ट फॉर कम्यूटिंग, देन यू कैन गो फॉर दिस वन. एंड द ऑन रोड प्राइस इज अराउंड 1,45,000 rupees, लिटिल बिट हाई. बट ये बाइक उनके लिए कि जिनको सीसी या पावर से मतलब नहीं है, जिनको सिर्फ KTM का ब्रांड नेम चाहिए और उनको ऐसा चाहिए कि हाँ एक KTM होनी चाहिए हमारे पास, ये बाइक उनके लिए, ये बाइक वो लोग ले सकते हैं. एंड फ्रेंड्स, इफ आई टॉक अबाउट द माइलेज, इसके जो ओनर है उसने मुझे बताया कि 40 की माइलेज ये बाइक देती है
सो 40 की माइलेज इज अ गुड इनफ आई मीन फॉर सिटी पर्पस ओनली. अगर आपको कम्यूटिंग के लिए बाइक चाहिए सो इट इज रियली अ गुड माइलेज. आई मीन 40 कोई बुरी बात नहीं है, 40 की माइलेज इनफ है. सो दैट वॉज द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द ड्यूक 125 बाय द KTM. फ्रेंड आई वॉन्ट टू कंक्लूड दैट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ मोटरसाइकिल जस्ट फॉर द कम्यूटिंग पर्पस एंड यू कैन गो फॉर दिस वन. And if you are looking for a motorcycle for touring and commuting, then you should not go for this one. 125 cc, so not touring at all. So friends, that was all about for today's video. If you have liked this video, then please give a thumbs up to me. And also subscribe to my YouTube channel for more videos like this. And also friends, future mein main Duke 125 and MT-15 ko bhi compare karne wala hun. So my channel ko subscribe karo and also press the bell icon so you get notified whenever I upload a new video. Milte hain agle video mein. Bye bye friends, take care and ride safe.